जॉइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओला उबर के अंदर हमारे जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो हमने राहुल जी को आज बताया। तो ओला उबर जो है ना सर, अभी तक कानून 9 साल 10 साल हो गए, अभी तक इसके ऊपर कानून लागू नहीं हुआ। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस और सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया नाम के लिए, मगर इम्प्लीमेंटेशन ये स्टेट लेवल है ना, तेलंगाना करता है, सेंट्रल लेवल भी है, स्टेट लेवल। इसमें सेंट्रल लेवल क्या है और स्टेट लेवल क्या है? मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस केंद्र सरकार निकाली। इसमें गडकरी जी है क्या? कौन है गडकरी जी? उससे बात करें जी, जितने भी डिलीवरी वर्कर्स है, ड्राइवर्स है ओला उबर के, उन लोग को कुछ भी उसके अंदर प्रोविजन नहीं है सर। ईएसआई नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हमारे वर्कर्स के भी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे इश्यूज है, वो सारे इश्यूज को भी जोड़ने का काम किया। राष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार हमारी बात सुनने के लिए नहीं है सर। सर, आपसे हम चाह रहे कि कानून बनाए हमारे लिए, जैसा कि कानून बनाए तो हमारे लिए कानून के अंदर एग्रीगेटर कंपनी आते और वहाँ से बहुत सारा आउटपुट भी हमारे को मिला, एक कॉन्फिडेंट मिला। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि हम जरूर कानून बनाएंगे। हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं अगले आने वाले दिनों में हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे।